हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉड्यूल 6 लेसन नंबर 3 दैट इज लेक्शन द्राई करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्डनुंग मुस साइन। ये चैप्टर को करने से पहले हमें चैप्टर 1 एंड 2 की नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। तो आप पहले 1 एंड 2 देखिए, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड पर बेस्ड है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, देन ही आप 3 को समझ पाएंगे। तो मॉड्यूल, ये बेसिकली जो पूरा मॉड्यूल है, ये प्रेपोजिशन पे बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन 3 तरह की होती है। 3 तरह की कैसे होती हैं? एक होती है वेक्सल, दूसरी होती है फिक्स एक्यूजेटिव, तीसरी होती है फिक्स डार्टिव। तो वेक्सल कौन कौन सी होती है? पहली मैंने आपको बताई थी वेक्सल, दूसरी बताई थी फिक्स एक्यूजेटिव, एंड तीसरी मैंने आपको बताई थी फिक्स्ड डार्टिव। वेक्सल इन, आन, आउफ, नेबन, हिंटर, उंटर, इंट्यूशन, फोर, ये होती है। फोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ, इन का मतलब इन, अन का मतलब एट, आउफ का मतलब ऑन, नेबन का मतलब नियर या नेक्स्ट टू, हिंटर का मतलब बिहाइंड, उंटर का मतलब अंडर, इंट्यूशन का मतलब इन बिटवीन। फिक्स प्रेपोजिशन, अब फिक्स एक्यूजेटिव कौन कौन सी होती हैं? फिक्स एक्यूजेटिव वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं इस मॉड्यूल में, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो 3 प्रेपोजिशन है, दैट इज एंटलांग, डुश एंड उम। उम का मतलब भी एट होता है, डुश का मतलब थ्रू होता है, एंटलांग का मतलब अलोंग होता है। एंड फिक्स डार्टिव भी बहुत सारी होती है, पर अभी हम 3 करेंगे, दैट इज मिट, फॉन एंड सू। मिट का मतलब ऐसे विद होता है, कई बार बाई की सेंस भी देता है। फॉन का मतलब फ्रॉम और ऑफ भी होता है, एंड सू का मतलब टू, फॉर स्मॉल प्लेसेस। तो पहले मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन 3, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन 3 तरह की होती है, वेक्सल होती है, फिक्स एक्यूजेटिव होती है, फिक्स डार्टिव होती है। पहली होती है फोर, इन, अन, आउफ, नेबन, हिंटर, उंटर, इंसुएशन। फोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ, इन का मतलब इन, अन का मतलब एट, आउफ का मतलब ऑन, नेबन का मतलब नियर, हिंटर का मतलब बिहाइंड, उंटर का मतलब अंडर, इंसुएशन का मतलब इन बिटवीन। और वेक्सल प्रेपोजिशन क्या होती है? बेसिकली वेक्सल प्रेपोजिशन वो होती हैं जो दोनों दोनों होती हैं, दैट इज एक्यूजेटिव और डार्टिव। मतलब वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, तो चैप्टर 1 में फिक्स डार्टिव, डार्टिव का यूज़ किए थे, एंड चैप्टर नंबर 2 में वही ये जो प्रेपोजिशन है, इनको एज एन एक्यूजेटिव फॉर्म हम कैसे यूज़ करेंगे। उसमें फिक्स एक्यूजेटिव भी किया था चैप्टर 2 में, और फिक्स डार्टिव भी किया था। तो फिक्स एक्यूजेटिव का मतलब है जब हम प्रेपोजिशन सेंटेंस बनाएंगे और प्रेपोजिशन जहाँ लगेगी उसके बाद फिक्स एक्यूजेटिव केस लगेगा, एंड डार्टिव के केस में डार्टिव में चेंज हो जाएगा, लाइक मिट देम बूस हो जाएगा। इश गया मिट देम बूस, तो मिट डार्टिव है तो देम बूस में कन्वर्ट हो गया। अब वेक्सल का हमने किया था, वेक्सल जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मैं हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, वो कान मान ब्रॉड काउफन, तो हमें जैसे पता है वो है, तो वो मतलब डार्टिव केस, वो कान मन ब्रॉड काउफन मतलब जहाँ डार्टिव, यानी कि इन देयर बेकर आए। और यही क्वेश्चन अगर मैंने एक्यूजेटिव में करना है, तो वो ही इन गेज डू ब्रॉड काउफन, तो आपका क्या हो जाएगा? इन दी बेकर आए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वोहीन में आ गया और वोहीन एक्यूजेटिव होता है। तो अब हम जो इस चैप्टर 3 में इसका आगे का यूज देखेंगे, वेक्सल प्रेपोजिशन का और क्या यूज है। तो अब मैं वेक्सल प्रेपोजिशन बताती हूँ, उनके आगे क्या यूज है। वेक्सल प्रेपोजिशन, तो पहले वेक्सल प्रेपोजिशन जैसे मैं बता चुकी हूँ, दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक्यूजेटिव एंड डार्टिव। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्यूजेटिव में यूज करना है या डार्टिव में यूज करना है? इसका फर्दर मैं यूज बता रही हूँ। तो फर्दर जो यूज है, अगर आपको वर्ब स्टेलन दिखाई देगी, आपको लेगन दिखाई देगी, हैंगन दिखाई देगी, जेटसन दिखाई देगी या कॉमन दिखाई देगी,
ये आगे का यूज है. वेक्सलम फर्स्ट सेकंड में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे यूज करना है. अब इसका फर्दर यूज थर्ड चैप्टर में क्या है, तो अगर ये आपको ये वर्ब्स दिखाई देंगे स्टेलन लेगन हैगन जेटसन कॉमन, तो ये अकुजेटिव फॉर्म है. और डाटिव अगर आपको स्टेहन दिखाई देगी लीगन दिखाई देगी हैंगन दिखाई देगी, अब हैंगन दोनों है दोनों तरफ है, तो उसको कैसे यूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगी. जेटसन एंड जाइन. अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन है अकुजेटिव का वो ही इनसे बनेगा और ये वो से बनेगा. अब मैं इनके मीनिंग क्लियर कर देती हूँ. स्टेलन का मतलब होता है कोई भी चीज स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना, वर्टिकली रखना. लेगन का मतलब कोई भी चीज लाइंग पोजीशन पे रखना, मतलब टू कीप समथिंग इन लाइंग पोजीशन, दैट इज हॉरिजॉन्टली रखना. हैंगन कोई चीज हैंग करना. जेटसन बैठना, मतलब आप बैठे नहीं हो, यू आर सिट, यू आर गोइंग टू सिट. कॉमन कोई चीज आना, जैसे अभी वो यहाँ पर है, अभी वो कहाँ जाएगी. एंड स्टेहन ऑलरेडी प्लेस्ड है. लीगन ऑलरेडी पड़ी हुई है. हैंगन ऑलरेडी टंगी हुई है. जेटसन ऑलरेडी बैठे हैं. जाइन ऑलरेडी हो. तो यहाँ पर क्या होता है, टू कीप समथिंग यहाँ ऑलरेडी कैप्ट है. ये लेगन का मतलब यू आर कीपिंग समथिंग इन लाइंग पोजिशन और यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है. हैंगन यू आर गोइंग टू हैंग इट एंड ये ऑलरेडी हैंग्ड है. जेटसन आप बैठने जा रहे हो, जेटसन ऑलरेडी बैठे हो. कॉमन कोई चीज जाएगी, जाइन वो ऑलरेडी वहाँ है. और क्वेश्चन बनाने के लिए वो ही अकुजेटिव के लिए यूज होगा और डाटिव के लिए वो होगा, यानी कि वो से आप जज कर लोगे कि आपको डाटिव यूज करना है. तो अब इसका आगे कैसे, मैं आपको सबके एग्जाम्पल्स देती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेलन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैं ये बुक इश स्टेलर दास बुक, मैं ये बुक टेबल पर रखने जा रही हूँ. आउफ डैश डिश, अब ऑन आ गया ना, वेक्सल प्रेपोजिशन हमने की थी बहुत सारी, इन अन तो आउफ. अब यहाँ पर टिश, टिश का आर्टिकल देयर टिश होता है, ये मैस्कुलिन होता है. तो स्टेलन आ गया, आपने स्टेलन से जज किया कि ये तो अकुजेटिव वर्ब है, यानी कि यहाँ अकुजेटिव फॉर्म लगेगा. तो आउफ देन टिश. इश लेगर दास हैंडी, मतलब मैं फोन को रखने जा रही हूँ. जैसे इन रिगाल, तो रिगाल का आर्टिकल रिगाल नौत्रम है, तो क्या होगा इन. अब लेगन है, लेगन से आपने जज किया कि अकुजेटिव फॉर्म है या अकुजेटिव वर्ब है, तो क्या करोगे, दास दास रहता है, तो इन दास रिगाल, तो इन्स रिगाल भी बोल सकते हो. इश हैंगर, आई एम गोइंग टू हैंग. इश हैंगर दास बिल्ड अन, अब वांड है, वांड का मतलब वॉल होता है और ये फेमिनिन है, तो दी वांड होता है. और हम ना कोई भी चीज, अब जैसे आप दीवार पे कुछ टांग रहे हो, वो ना ही इन पोजीशन होती है ना ही ऑन पोजीशन होती है, वो ऐड होता है, इसलिए वहां पर अनयूज होता है. तो वांड का आर्टिकल दी होता है और आप टांगने जा रहे हो, दी रिमेन्स दी इन अकुजेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा अन दी वांड. अब आप सोच रहे हो मैं टेबल एक बार बना देती हूँ. देयर दी दास दी, ये नौत्रम में है, आई मीन नॉमिनेटिव है. देन देन दी दास दी अकुजेटिव. देन देम देयर देम देन, तो हमें यही यूज़ करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन नौत्रम. अगर आपको टेबल याद आ गई तो दैट इज नॉमिनेटिव अकुजेटिव एंड डार्टिव. तो इश हैंगर दस बिल्ड अन दी वांड, तो दी हमारा दी रहा इसलिए अन दी वांड आया. अब यही क्वेश्चन मैं आपको डार्टिव में बताती हूँ. सिचुएशन है, आप इश टेल दस बुक ऑफ द इंटिश, अब यह है कि ऑलरेडी प्लेस्ड है वो, ये बुक ऑलरेडी वहां रखी है, तो दस बुक खड़ी हुई है वो स्टेट आउफ डैश डिश. अब क्या है, स्टेट है तो स्टेहन से आपको पता चल गया डार्टिव वर्ब है, आपको वर्ब पता होनी चाहिए. स्टेहन से आपको पता डार्टिव वर्ब है, देन आप क्या करोगे, तो आउफ देम टिश, देयर टिश होता है, देयर देम में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, लेगन के साथ दास हैंडी, अब डाटे में बना रहे हैं, लीक्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है. इन दास क्या होता है डाटे में, देम, इन देम रिगाल,
क्योंकि लीगन हमें पता है डाटिव है, तो इन डाटिव में क्या हो जाता है, दास देव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इन देव निकाल। अब ये जो फोटो है ऑलरेडी टंगी हुई है, दास बिल्ड हैंग आन, दी वांड होता है, दी देर में चेंज हो जाता है डाटिव में, अन देर वांड। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे पहला वाला सेंटेंस है अकुजेटिव इज टेलर दस बुक ऑफ दिन टिश, इसमें क्या है, यहाँ डूअर है कि कौन कर रहा है, कि ये बुक मैं रखने जा रही हूँ टेबल पे, यहाँ ऑलरेडी प्लेस्ड है, यहाँ आई की जरूरत ही नहीं है। दस बुक स्टेट ऑफ दिन टिश, यानी कि ये चीज ऑलरेडी प्लेस्ड है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वहां पर मैं रखने जा रही हूँ, यानी कि यहाँ मैं इंपॉर्टेंट है और यहाँ ऑलरेडी वो चीज रखी हुई है। यहाँ पर इश लेगे दास हैंडी इन दस रिगाल, मैं ये रखने जा रही हूँ और यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, दास हैंडी लीक्ड इन देम रिगाल, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ डूअर नहीं है, यहाँ डूअर होता है या डूअर नहीं है। इश हैंगर दास बिल्ड अंदी वन, मैं टांगने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑलरेडी टंगी हुई है, यहाँ मैं की जरूरत ही नहीं है। दास बिल्ड हैंड अन देयर वन, तो एक तो डाटिव और आकुजाटिव में ये समझ में आ जाएगा कि आकुजाटिव में इन तीनों वर्ब के साथ डूअर होता है, तो हैंगन आप वो ऑलरेडी टंगी हुई है, हैंग, इसलिए कॉन्जुगेशन ये आई है। तो आपने देखा आकुजाटिव किस, यानी कि एक तो आपको वर्ब से पता चल जाएगा, एक डूअर से पता चल जाएगा कि वर्ब, आपने स्टेलन देखी, स्टेलन आपको पता चल गई कि ये वो वर्ब है, यानी कि कौन रखने जा रहा है, तो स्टेलन से पता चल गया अकुजेटिव, इसलिए आपने यहाँ देन टेस्ट लगाया। यहाँ आपने स्टेहन देखा, स्टेहन डाटिव है, तो आपने देम लगाया, बस आपको वर्ब से जज करना है मेन, और इसमें डूअर होता है, इसमें नहीं होता, और डूअर वो नहीं देखना, तो इस टेलर दो दास बुक मैं ये रखने जा रही हूँ ऑफ देन टेस्ट, और दास बुक स्टेट ऑफ देम टेस्ट। अब इसका आगे, जैसे मैंने जैतसन का भी बताया था, इश जैतस मिश, मतलब मैं अपने आप को बिठाने जा रही हूँ, यहाँ ऐसे बोलते हैं, इस जेट समिश ऑफ देन स्टूल, चेयर पे मैं बिठाने जा रही हूँ, और मैं ऑलरेडी बैठी हूँ, तो इश जिट्स ऑफ देम स्टूल, इश जेट समिश, एक्चुअली ये वाली वर्ब जेट्सन जिश होती है, तो इश जेट्स मिश, मैं अपने आप को बिठाने जा रही हूँ ऑफ देन स्टूल, या तो गोइंग टू सिट, और यहाँ आप ऑलरेडी बैठे हुए हो, तो इश जिट्स ऑफ देम स्टूल, मतलब मैं बैठी हुई हूँ। और कॉमन के साथ बनाए तो, जैसे ये कोई भी, जैसे ये फोन है, ये अभी उस रूम में जाएगा, दास हैंडी कॉम्ड इन दास सिमर, इसमें डूअर वूअर नहीं इंपॉर्टेंट होता, हम सीधा बात करें फोन कहाँ जाएगा, दास हैंडी कॉम्ड इन दास सिमर, और यहाँ पर वो ऑलरेडी इस रूम में है, तो दास हैंडी इस इन देम सिमर, यहाँ डूअर की जरूरत नहीं है, मतलब हम जनरली बात कर रहे हैं कि जैसे कॉमन में, जैसे नॉर्मली अभी तक मैंने क्या बताया था अकुजाटिव में, वो तीनों वर्ब्स के साथ डूअर आपको दिखाई देगा, इश टेलर दास बुक ऑफ देम टिश, और वो ऑलरेडी प्लेस है, तो दास बुक स्टेट ऑफ देम टिश, मतलब डाटिव में डूअर नहीं होता, लेकिन ये जो वर्ब है इनमें भी डूअर नहीं होता, ये अकुजाटिव है कॉमन वाला, बट हम सीधा बात करते हैं ये कहाँ जाएगा, दास हैंडी कॉम्ड इन दास सिमर, कि उसमें वहाँ जाएगा, और वहाँ ऑलरेडी रूम में है, तो सैंडी इज इन देम सिमर, यानी कि आपको जाइन और कॉमन से जज करना है, जहाँ कॉमन दिख जाए तो वहाँ अकुजाटिव फॉर्म लग गया, एंड जहाँ जाइन फॉर्म दिख जाए वहाँ देम आपका डाटिव फॉर्म लग गया, ऐसे ही जैक्सन और जिक्सन से आपको जज करना है। तो ये इनके फर्दर यूज हैं, तो आप इसमें और भी प्रपोजिशन यूज कर सकते हो, इन आन हाउ हिंटर इंसुएशन, किसी भी तरह यू कैन यूज इट, लाइक मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इश स्टेलर देन कंप्यूटर, कंप्यूटर को रखने जा रही हूँ क्योंकि देर कंप्यूटर होता है, आउफ देन टिश, और कंप्यूटर ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो देर कंप्यूटर, अभी सब्जेक्ट बन गया ना, इसलिए देर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसलिए देना है, देर कंप्यूटर स्टेट आउफ देम टिश। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको स्टेलेंजी फ्रागन बताती हूँ, अगर स्टेलेंजी फ्रागन करने को आता है तो आप इसको कैसे करेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन आया आपका, इश स्टेलर दस बुक आउफ
देन डिश, ये और दूसरा मैं आपको ले लेती हूँ, इश लेगर दास हैंडी इन दास रेगाल। तो आप इसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इश टेल दास हैंडी इश टेल दास हैंडी या इश लेगर दास हैंडी इन दास रेगाल, तो इश टेल दास बुक ऑफ देन टिश। तो इसका मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले आपने स्टेलन देखा, स्टेलन क्या है, एक अकुजेटिव वर्ब है। अकुजेटिव के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, मैंने आपको बताया था वोहीन, तो आपको क्या करना है वोहीन यूज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको वर्ब जज करनी है, आपने वर्ब देखी स्टेलन, तो स्टेलन क्या है, एक अकुजेटिव वर्ब है, और अकुजेटिव वर्ब के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड यूज होता है अकुजेटिव के लिए, वोहीन, तो आपने वोहीन देखा। अब नाउ इस स्टेला है तो स्टेल्स डू हो गया, इसकी डू वाली कॉन्जुगेशन, वोहीन स्टेल्स्ड डू, यानी कि डू में अगर इश में आंसर है क्वेश्चन डू में आएगा, वोहीन स्टेल्स डू दास बुक, कहाँ रखने जा रहे हो ऑफ द डिश। अब जैसे इश लेगर दास हैंडी इन दास, आपने लेगन देखा, लेगन क्या है अकुजेटिव है, अकुजेटिव का क्या बनता है वोहीन, अब इश लेगा है तो लेग्स डू हो जाएगा, वोहीन लेग्स डू दास हैंडी, बहुत इजी है ये। अब जैसे मैं और आगे आपको एग्जांपल देती हूँ, दास बुक लीक्ड ऑफ देम टिश और दास हैंडी, दास हैंडी स्टेट मान लो ऑफ देम टिश, तो दास बुक्स लीक ऑफ देम टिश, तो आपने अब ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें डूअर नहीं है, तो लीगन देखा, लीगन क्या है आपका डाटिव है, डाटिव में क्वेश्चन किससे बनता है वो से, तो डाटिव वाला तो बहुत ही इजी है, आपने आपको पता चल गया लीगन है तो आपने वो लगाया, देन यहीं से वर्ब उठाई लीक्ड और यहीं से सब्जेक्ट उठाया दास बुक, वो लीक दास बुक ऑफ देम टिश, ऐसे ही है। अब आप इसको कैसे, स्टेहन, स्टेहन डाटिव है दैट मीन्स वो, यहीं से वर्ब उठाई वो स्टेट दास हैडी, क्वेश्चन बन गया ऑफ देन टिश। तो मैं एक दोनों का एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक है इश हैंगर दास बिल्ड अंदी वांड, दास बिल्ड हैंग्ड अंदेर वांड, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये एक मैंने अकुजेटिव ले लिया एक डाटिव ले लिया, इश हैंगर दास बिल्ड ऑन दी वांड, तो एक तो आप अब दोनों ही हैंगर हैं, आप कैसे जज करोगे, यहाँ पर डूअर आ गया, कोई टांगने जा रहा है, यहाँ ऑलरेडी टांगा हुआ है तो हैंगर लिया यानी कोई टांगने जा रहा है दैट मीन्स वोहीन, फिर इश हैंगर है तो वोहीन हैंग्स टू दास बिल्ड, और यहाँ पर दास बिल्ड हैंग ऑन देयर वांड, तो वो ये डाटिव है यहीं से उठाया हैंग्ड दास बिल्ड, इस तरह से आपको ये करना है। तो स्टेल फ्रागन इस तरह से होंगे, बाकी आपको डिफरेंस जो आ सकता है वो ये आ सकता है, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज दी हुई है कि आपको स्टेलन और स्टेहन में से भरना है, आपको फिल करना है, तो आपको कैसे जज करना है, जैसे मैंने बोला टीना डैश दस बुक ऑफ डैश टिश, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि पुल ओवर देर पुल ओवर नॉट पुल ओवर स्टे
एंड दूसरा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दस बुक डैश ऑफ डैश डैश, आपका एक ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेलन और स्टेन बनना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर क्या लगाऊँ, तो वही डूअर देखना है कि टीना है यानी कि कोई रखने जा रहा है, तो टीना स्टेल्ट दस बुक अब दैट इज अकुजेटिव है तो द इंटेश, और यहाँ दस बुक यानी कि ऑलरेडी प्लेस्ड है, यहाँ कोई रख नहीं रहा है तो यानी कि स्टेट, यानी कि आपको डूअर दिखेगा, जहाँ डूअर है दैट मीन्स वहाँ अकुजेटिव आएगा, जहाँ डूअर नहीं है वहाँ डाटिव आएगा, स्टेट ऑफ द इंटेश। आपको इससे ऐसे ही लेगन लीगन करना है, हैंगन हैंगन में वही डूअर देखना है, जहाँ डूअर है दैट मीन्स अकुजेटिव, नहीं है तो डाटिव। कॉमन वाले में आपको क्या होगा, कॉमन और जाइन वाले में आपको वहाँ पर मतलब वो कुछ ना कुछ हिंट देंगे, अगर कॉमन वर्ब दी हुई है तो आपको अकुजेटिव लगाना है, जाइन वर्ब दी हुई है तो आपको डाटिव लगाना है। इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा है कंजंक्शंस, तो वो कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं, उधर आपका जॉन्डन उंड आबर एंड देन, उधर का मतलब और होता है, जॉर्डन का मतलब रादर होता है, उन का मतलब एंड होता है, आबर का मतलब बट होता है, देन का मतलब बिकॉज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन कंजंक्शंस की कि इनकी नुल पोजीशन होती है। नुल पोजीशन का मतलब होता है, मतलब जब हम सेंटेंस इनके साथ जोड़ते हैं तो आगे वर्ब की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्मन में क्या होता है, जो उसकी जो ग्रामर है उसमें जब जर्मन में सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा, वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है, लेकिन इस केस में इन चारों इन पांचों कंजंक्शंस में नुल पोजीशन होती है। नुल पोजीशन मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बोला इश एस बनाना और उधर इश एस आइन एन आफ, आईना बनाना उधर आईना नाफल, मतलब मैंने जब अगर उधर लगाया तो फिर मेरा नॉर्मल सेंटेंस की तरह शुरू हो गया इश ऐसा। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कोई और वर्ड जोड़ते हैं जैसे दान जोड़ा, दान ऐसा इश हो जाता है, यानी कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आती है, इसमें नहीं होता, इसमें नॉर्मल पोजीशन पे हो जाता है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस बनाए जाते हैं तो उसको नुल पोजीशन कहते हैं, इश ऐसा आइनन आफल, तो वर्ब की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता इनके साथ। तो उधर का मतलब और होता है, जैसे इश ऐसे आईना बनाना उधर आईनन आफल। जॉन्डन मतलब रादर, रादर में क्या होता है, द सिमर इज निश्ट क्रोस, बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, जॉन्डन क्लाइन मतलब इसका ऑपोजिट ही आप कुछ बोल रहे हो। उंड मतलब एंड वाली क्वालिटी, इश ऐसे आईने बनाना उंड आइनन एप्पल, मैं बनाना और एप्पल खाऊंगा। आबर इश ऐसे द सिमर इज निश्ट क्रोस, मतलब आप एक पॉजिटिव बोलते हो और एक नेगेटिव, द सिमर इज निश्ट क्रोस आबर श्योन, लेकिन ब्यूटीफुल है, मतलब एक पॉजिटिव बोली। जॉन्डन में जब इस तरह के आएंगे एडजेक्टिव तो आपको ऑपोजिट देखने को मिलेंगे, ग्रोस उंड क्लाइन, जॉन्डन और आबर में इतना ही डिफरेंस है, जबकि वो ये है। अदरवाइज आप कुछ और यूज़ करोगे, नाउन वन यूज़ करोगे तो अलग अलग आ सकते हैं कि ये बेड नहीं बल्कि ये सोफ़ा है, तो इस तरह से जॉन्डन तब भी आ सकता है। देन, देन इज़ लाइक बिकॉज, जैसे जर्मन में हमने पहले वाइल किया था, वाइल में क्या होता है, वाइल में वर्ब एंड में आती है, इसमें नहीं आती, जैसे मैं बोल रही हूँ इश लैने डॉयच, मैं जर्मन सीख रही हूँ क्योंकि मुझे जर्मनी जाना है, तो देन इश विल नाक डॉयचलैंड गेहन, गेहन। और उनका मैं भी, उनका भी एग्जांपल दे देती हूँ, द सिमर हार्ट आइन बेट उंड आइन सोफा, लाइक निश नुअर जॉन्डर नाउ। निश नुअर का मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे कि भाई इस सिमर के अंदर नॉट ओनली बेड है सोफा भी है, मतलब दोनों चीज को आप बोल लो, द सिमर हार्ट
nicht nur ein Bett, sondern auch ein Sofa. जब आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर ये नहीं ये भी है, और एक और है दैट इज स्वार आवर. स्वार आवर का मतलब है जैसे कि द सिमर इज, द सिमर इज स्वार निस जे ग्रोस आबर जेर रोहिश. जैसे हम बोलते हैं कि ये कमरा उतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत शांतफुल है, मतलब नेगेटिव में आप एक चीज बोलो, एक द सिमर इज सो ग्रोस, इट्स नॉट सो बिग बट इट्स ब्यूटिफुल. एक होता है नेगेटिव कि हाँ इट्स ब्यूटिफुल बट दिस, स्वार इज इट्स नॉट सो ब्यूटिफुल बट रोहिश, स्वार इज जेर ग्रोस मतलब इट्स नॉट सो बिग आबर जेर रोहिश. नॉट सो एंड देन लेकिन आपने एक पॉजिटिव चीज बोल दी, एक नेगेटिव क्वालिटी बोली, नॉट सो बट ये है. स्वार आवर इसलिए यूज होता है. तो जहां आपको स्वार दिखे वहां आवर लगेगा. अगर दो ये वाली आई मीन यूज अगर इस तरह की कंजंक्शन आए और स्वार दिखे तो आपको आवर लगेगा, और जहां निष्ठुवर लगे तो वहां जॉर्नर आउट लगेगा. तो ग्रामर तो यही है इस पूरे चैप्टर में बेसिक, और बाकी विकैबलरी है तो वो आपको देखनी है. क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, वोहिन जॉल इश दास बुक स्टेलन, मैं ये बुक कहाँ रखूँ, वेयर शुड आई कीप इट. तो ये जॉलन आ गया, तो आप इसको इम्पराटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे स्टेलन यहाँ दिया ही हुआ है, तो स्टेल बिटर मतलब वो इम्पराटिव फॉर्म, स्टेल बिटर दास बुक आउफ देन इश स्टेल बिटर. तो वही जॉल में अगर है मतलब वेयर शुड आई कीप इट, तो आप बोल सकते हो स्टेल बिटर दस बुक ऑफ द टिश. तो इस चैप्टर में बेसिकली यही है, इसकी जो ग्रामर है आपको ये समझना है कि प्रपोजिशन तीन तरह की होती है, दैट इज वेक्सल, फिक्स आकुजाटिव, फिक्स डाटिव. एंड वेक्सल प्रपोजिशन वो होती है जो आकुजाटिव डाटिव दोनों होती है, और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी यूज करनी है. सिचुएशन कैसे पता चलेगी, अगर वो कान वन ब्रॉड काउफन तो इन देयर बेकर आए, और वोहिन में यही चीज पूछी, वोहिन गेस टू ब्रॉड काफन तो इन दी बेकर आए. ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में किया था. अब जो हमने इसका थर्ड चैप्टर में फर्दर यूज किया है कि इसको और तरह से किस तरह से यूज करेंगे, तो वोहिन के केस में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, दैट इज टेलन, लेगन, हैंगन, जेटसन, उन कॉमन. और यही डाटिव के केस में क्या हो जाती है, स्टेहन, लीगन, जाइन, हैंगन एंड जेटसन. स्टेलन का मतलब होता है कोई भी चीज स्टैंडिंग पोजिशन पे रखना, और स्टेहन का मतलब ऑलरेडी प्लेस्ड है, लेगन का मतलब कोई भी चीज़ लाइंग पोजीशन पर रखना, और वो लीगन का मतलब ऑलरेडी प्लेस्ड है कि वो लाइंग पोजीशन पर ऑलरेडी है. हैंगन का मतलब कोई चीज़ टांगना आकुजाटिव वाले का, और डाटिव का मतलब है ऑलरेडी टंगी हुई है. जैसन का मतलब ऑलरेडी बैठा होना, ऑलरेडी बैठने जाना, और उसका मतलब है ऑलरेडी बैठे होना, जैसन का मतलब जो डाटिव में है. और कॉमन का मतलब ये चीज़ जाएगी, दैट इज आकुजाटिव, एंड वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, दैट इज जाइन. तो ये आपकी ये वर्ब से आपको पता चल जाएगा कि आपको आकुजाटिव यूज़ करना है या डाटिव. और आकुजाटिव के केस में क्वेश्चन किससे बनते हैं, वो हीन से, और डाटिव के केस में वो से. यानी कि स्टेल फ्रैगन आएगा तो सबसे पहले आपको वर्ब जज करनी है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है. आकुजाटिव के केस में जब आप सेंटेंस स्टेलन के साथ बनाओगे तो वहाँ डूअर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन रखने जा रहा है. ये सिर्फ तीन वर्ब्स के साथ होता है, स्टेलन, लेगन और हैंगन. कॉमन और उसमें जेटसन में, जेटसन में भी यूज़ नहीं होता, आई मीन आपका डूअर इम्पॉर्टेंट मतलब डूअर नहीं आता. तो सिर्फ स्टेलन, लेगन और जेटसन के हैंगन के केस में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर डूअर है, कि कोई रखने जा रहा है. और डाटिव के केस में वो ऑलरेडी प्लेस है, तो वो डूअर का कोई काम ही नहीं है. तो इस तरह से आप करेंगे. क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, लेगन और लीगन आपको डिफरेंस बताना है, मीन्स आपको फिलिंदा ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको फिल करना है. तो फिल करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि अगर आपको आकुजाटिव, अगर आपको डूअर वहाँ दिख रहा है कि कोई रखने जा रहा है, तो आपका आकुजाटिव केस लगेगा, नहीं तो डाटिव लगेगा. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, बुक के अंदर एक एक्सरसाइज है. बुक
बुक के अंदर एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 69 पर कि आपको लेगन और लीगन भरना है. तो मारियोन जैसे दिया हुआ है वहाँ पर, मारियोन डैश दास बुक आउफ डैश टिश. तो मारियोन आ गया यानी कि कोई नेम आ गया. डूअर क्या होते हैं, जैसे मैं तुम इश डू एयर जी एस, किसी का नाम टीना मीना शीना, तो ये जो है ये डूअर है, आई मीन जो करने जा रहा है, यानी कि कोई पर्सन का नाम होगा. तो मारियोन आ गया, दैट मीन ये क्या है लेक्ट आकुजाटिव आउफ डेंटिश. और यही चीज अगर ऑलरेडी प्लेस जाए तो देयर टैपिश, जैसे मैंने लिया तो टैपिश होता है कारपेट, डैश फोर डैश टूअर, तो टूअर होता है दरवाजा. तो देयर टैपिश, यहाँ कोई डूअर नहीं, यानी कि ऑलरेडी प्लेस्ड है. देयर टैपिश लीक्ड पड़ा हुआ है फोर देयर टूअर, क्योंकि दी टूअर होता है. अच्छा मैं इसका वोकैबुलरी पार्ट भी बता देती हूँ. इसके अंदर जो जो वोकैबुलरी है, दैट इज देयर टिश, देयर कंप्यूटर, देयर श्रांक, देयर their dish, their computer, their shrunk, their garden, their stool, their cecil. Tish का मतलब table होता है, computer का मतलब computer होता है, shrunk का मतलब almira होता है, garden का मतलब garden होता है, stool का मतलब chair होता है, cecil का मतलब कंफर्टेबल चेयर. इसके अलावा आपका होता है दी में दी टूअर, दी वांड, टूअर का मतलब डोर होता है, वांड का मतलब वॉल होता है, दास फेंस्टर दैट इज विंडो, दास बेड दस रिगाल, बेड मतलब बेड, रिगाल मतलब कबर्ड. तो ये वोकैबुलरी है जो आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं. तो ये यूज़ होगी कि टेबल के पास है कंप्यूटर, उसके टेबल के ऊपर है अलमीरा, उसके साथ में है, गार्डन में है स्टूल सेसल. आपको ये मतलब ये चीज़ें कि उसके आगे है पीछे है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. बट वही बेसिक फॉर्मूला है कि वर्ब्स देखो एंड देन इसके अकॉर्डिंग यूज करो. तो ये अकुजाटिव और डाटिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे इनके आर्टिकल. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके इस वीडियो को. एंड कोई अगर क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, डू कमेंट.